द ट्रेजर विद इन, अपने अंदर जो ट्रेजर छुपा हुआ है वो. एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. हर बच्चा कैसा होता है, पोटेंशियल अचीवर होता है, मतलब अचीव कर सकता है, प्लस क्षमता होती है. यहाँ पे इंटरव्यू दिया गया है बिटवीन मिस बेला राजा एंड मिस्टर ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर. उन दोनों के बीच में ये बेला राजा है, एडिटर ऑफ स्पार्स न्यूज़लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, एंड मिस्टर ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर है लीडिंग आर्किटेक्चर. बेला राजा के लिए BR यूज किया है और ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के लिए HC. कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे HC. आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड. तो मुझे कुछ नाइटमेयर आते रहते थे लेकिन अभी 4-5 सालों से वो अभी नहीं आ रहे. तो बेला राजा, what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? कौन से nightmare की बात कर रहे हो आप और अभी क्यों नहीं आ रहे? I used to get continuous nightmare about appearing for a maths examination. Maths examination के मुझे बहुत nightmare आते थे, सपने आते थे, where I did not know anything. उसमें मुझे कुछ पता नहीं था. Now the psyche must have got over 8. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmare. पहले मैथ्स के बारे में जो सपने आते थे उसमें मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अभी I don't have to think about education. एजुकेशन के बारे में मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ता, तो नाइटमेयर भी गायब हो गए हैं. नाइटमेयर है हॉन्टिंग या फ्राइटनिंग ड्रीम, साइकी माइंड ऑफ माइंड और मेंटालिटी. टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. अर्लीस्ट मेमोरी स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं. इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. फर्स्ट सेकंड ईयर में तो अच्छा स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मेरा इंटरेस्ट कम हो गया और उसके बाद स्टडी मेरा कम हो गया. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स. मुझे गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट था. रनिंग अराउंड प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. दूसरों पर जोक करना भी बहुत पसंद था. I would copy in class में मैं copy करता था. During the exam time पे copy करके मैं pass होता था. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it. As I could not remember things that had been taught to me in class. मुझे जो class में सिखाया जाता था वो मुझे ज्यादा याद नहीं रहता था. However, later one sentence spoken to me by my principal, लेकिन एक बार मेरे principal ने मुझे कुछ समझाया. That changed my life. उसके बाद मेरी life change हो गई. When I approached my 11th standard, जब मैं 11th standard पे पहुंचा, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from your one. पहले standard से मैं तुझे जानती हूँ. You are good student. अच्छे लड़के हो. But you never studied. स्टडी में ध्यान नहीं देते. I have taken care of you till today. आज तक मैंने आपकी केयर की है. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. अभी मैं आपकी केयर नहीं कर सकती, आपको खुद को ही करना पड़ेगा. He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. आपके फादर नहीं है. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. आपके फादर नहीं है, आपकी मेहनत, मम्मी मदर इतनी मेहनत करती है और आपकी फीस भरती है, लेकिन आप सिर्फ खेलने में ध्यान दे रहे हो.
Now you should rise to the occasion and study. लेकिन अब आपको study पे ध्यान देना पड़ेगा. I used to be a very good sportsman. मैं अच्छा sportsman था. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. Cricket का captain भी रहा था. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. लेकिन उस year जब मुझे principal ने समझाया, पूरे साल field पे नहीं गया. I would go for prayers and all I would do was eat and study. सिर्फ क्या किया? खाना खाया, study किया. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC. I could not do that. मैं हमेशा कॉपी करके पास होता था, लेकिन मुझे एसएससी में पता चल गया कॉपी करके आप पास नहीं हो सकते, कॉपी नहीं कर सकते मतलब एसएससी में. When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. अभी 50% आया है, कभी सोचो कि आपका distinction भी आ सकता है. सर नचिर ही हो सर नहीं 50% आया तो ऐसा सोचो कि आपका डिस्ट्रिक्शन ही आया, मतलब पॉसिबल नहीं थे कि 50 भी आए. दिस इज माय मेमोरी ऑफ माय स्कूल डेज. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी एज फार एज माय थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेम्बर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली. मैं जल्दी थिंग चीजें भूल जाता हूँ. टू रिमेम्बर आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ. याद रखने के लिए मुझे फोटोग्राफ की तरह चीजों को देखना पड़ता है. आई रीड अ बुक. ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे. आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेम्बर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माय माइंड. दैट इज हाउ इट वर्क्स. मुझे फोटोग्राफ की तरह याद रखना पड़ता है चीजों को. व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, did the teacher pull you up and how did you feel? जब आप स्कूल में थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो आपके टीचर गुस्सा होते थे आपको, तो आप क्या फील करते थे? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. मैं किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ खेलने पे ध्यान देता था. I would receive a caning every week. और जो मार थी सोटी तो मुझे पड़ती रहती थी every week. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? जब आपको पता चलता था कि आप टीचर पे गुस्सा सहन कर रहे हो और आपको सोटी पड़ने वाली है, तो आप क्या फील करते थे? State of mind? Just lift up the hand and they would cane you. Just हाथ खड़ा करना है और मार खाना है. It would hurt badly and then I would have to forget about it. हमें लगेगी लेकिन हम सब भूल जाएंगे. Because I would want to go and play. लेकिन मेरे दिमाग में की चीज था कि मार खाओ फिर खेलने जाओ. You never felt insecure or threatened. कभी insecure या threatened feel किया है? डरे हो कभी? I was just interested in playing and nothing else. मुझे सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. मजाक जो करते हैं दूसरों की, मुझे मजाक उड़ाते हैं, प्रैंक करते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट था. वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस. एक दिन मुझे स्टडी नहीं करना था तो पूरा डिस्ट्रैक्शन किया और चोर पुलिस हम खेलने लगे. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन to see a movie. Saturday को movie देखने जा सकते थे. So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students. मैं क्या करता था? लंच नहीं लेता था और पैसे इकट्ठा करता था 40-50 बच्चों से. And run and buy the tickets. और टिकट्स ले लेता था. On my way back और आते आते I would eat to my heart's content. और आते आते बम I used to be the leader of the gang. Gang में मैं leader जैसा ही था.
we would have gang fights and plan strategies. हम gang fight भी करते थे, strategies बनाते थे. These things used to interest me more than any academics. मुझे इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता था, academics को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के लड़ाईबाजी में और स्ट्रेटेजी बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट था. Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. बच्चे तो मेरी टेक्सटबुक बुक करा के रखते थे पहले से नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि वो ब्रांड न्यू जैसे ही रहते थे. आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के अगले दिन ही मैं उसे खोलता था, इसलिए इतनी नई थी कि बुक होती बुक ही हो जाती थी पहले से ही. How did you get into the field of architecture? तो architecture में कैसे आए? In the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. Architecture की college में तो 80-85 से कम होंगे तो आपको admission नहीं मिलेगा. I had only 50%, मेरे 50% आए थे. I wanted to join army join करना था. I got my admission later, but my aunt tore it up. लेकिन मेरी aunt ने admission later ही फाड़ दिया. Then I decided that I wanted to join the police force join करने का decide किया. My mother said, don't join the police force, just do your graduation खत्म करो, police force अभी मत join करो. So I went to Jai Hind College in Bombay. Bombay में Jai Hind College मैंने join किया. Then I was to either take French or German. वहाँ पे का तो French लेना था या German लेना था. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. 7 साल French की study की मैंने, लेकिन French का 7 word भी मैं सीख नहीं पाया. So I took German. उसके बाद मैंने German language लिया. Then my grand German teacher died. लेकिन unfortunately क्या हुआ? German teacher expire हो गई. The college told me that I could change the college or मुझे college change करना पड़ेगा. Otherwise, take French. नहीं तो French लेना पड़ेगा. Now, who would give me admission in another college? और कौन college में admission देता दूसरी? I had got admission to Jai Hind by influence. Jai Hind में भी मुझे जैसे से किसी के influence से admission मिला था. So I thought, okay, I will take French. तो French ही पढ़ लेते हैं. And I started learning French again. I learned it from my कजिन. लेकिन किससे सीखना शुरू किया? कजिन से. She was an architect's wife. और वो कौन थी? Architect की wife. I was going to an architect's office to learn French. French सीखने architect की office में जाया करता था. Was it then that you decided you wanted to do architect? वहाँ आपने decide किया कि architecture करना है आपको? Actually, it all happened quite by chance. By chance ही हो गया सब. In the architect's office, I saw somebody drawing a window. Detail. ठीक है, window कोई draw कर रहा था. A window detail is a very advanced drawing. और वो advanced drawing में गिना जाता है. I told him that his drawing was wrong. उसे बताया कि आपका drawing wrong है. That the window he had drawn would not open. आप जो window draw कर रहे हो वो खुलेगी नहीं. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. उसने मेरे साथ शर्त भी लगाई और बाद में उसे पता चला कि उसकी drawing थी वो wrong थी. My cousin's husband was surprised. तो ये सब चीजें किसको पता चली? Cousin के husband को पता चली. He asked me to draw a few specific things. Which I immediately did. उसने मुझे कुछ draw करने के लिए दिया और मैंने उसे draw कर दिया. He asked me to design a house and I designed a house. पहले घर बनाने के लिए बोला, मैंने घर design किया. After that he told me to draw everything and join architecture. Sorry. After that he told me to drop everything. तब छोड़ दो और architecture join करो. उसने सलाह दी मुझे. We went to meet the principal of the college. हम college के principal को मिलने गए. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exam, but
If you do not do well, I will not allow you to join. Entrance exam तो देने के लिए मैं तुझे परमिशन दे रहा हूं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं मिलेगा. आई गॉट एन ए प्लस, वहां पे मुझे क्या मिला, ए प्लस मिला एंट्रेंस एग्जाम. एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और उसके बाद तो बहुत इजी काम हो गया मेरे लिए. आई हैड नेवर मेड अ प्लान, कभी प्लान नहीं बनाया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन ऊपर से देखने में कैसा लगेगा वो मुझे पता था. I had never known that a section was. What a section was? मुझे पता नहीं section क्या होता है. But I knew if you cut a plant, what it would look like. लेकिन plant को cut करोगे तो कैसे दिखेगा. I stood first throughout after that. First class first आया मैं उसमें. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. तो ये सब चीजें मुझे पता चली कहाँ से सीखा मैं. I used to play and do during school. School से ही मुझे ये सब आता था. I had a friend called Behram Divecha. Friend था मेरा Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing. हम competition रखते थे design forts, guns and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. और design बनाते थे एक दूसरे से अलग. In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, a teacher on the Mrs. Gupta, उसने मुझे बताया, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. जब आप बड़े होगे, तो आप क्या बनोगे? Architect बनोगे, क्योंकि दूसरे में तो आप useless हो. I did not know at the time, but she was right. उस time पे मुझे पता नहीं था, लेकिन वो सही थी. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. उसके बाद में architect बना तो उसे मिलने गया और उसको बताया. Why do you think you did not like studies? आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आपको स्टडी पसंद नहीं थी? Was it because you felt you could not cope up? आपको ऐसा लगता था कि आप कर नहीं पाओगे? Could not deal with the curriculum, या curriculum आप पूरा नहीं कर पाते थे? I was very bad at languages. Languages मेरी बहुत खराब थी. Science and geography I could deal with. साइंस जियोग्राफी थोड़ा कर लेता था. मैथ्स वॉज वेरी बैड, मैथ्स नॉट करा था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. आई वॉज स्टडींग फॉर द सेक ऑफ स्टडींग, सिर्फ पढ़ता था पढ़ने के लिए. व्हाट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर टू डेज, जो पढ़ाते थे मैं दो दिन में भूल जाता था. आई वुड नॉट बदर बिकॉज देर वॉज नो application of mind there to begin with. और मुझे कोई पढ़ी भी नहीं थी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी. Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? ये जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, या आपको लगता है कि आप जो सब थोड़ा समझ लेते थे उसके बाद का कंसेप्ट आपको, उसके बाद आपका इंटरेस्ट नहीं रहता था. लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, इज अ डिफिकल्ट. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, सिर्फ हम जीते रहते हैं. नोबडी नाउडेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, अभी बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं. बैक देन Whenever we had test, we used to just copy. जब हमारे टाइम पे टेस्ट होती थी हम सिर्फ कॉपी करते थे. The teacher thought that we had done our work. टीचर को लगता था कि हमने काम खत्म कर लिया. There is a contention that a contention है कि giftedness
एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड. डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो ऐसा माना जाता है कि भाई गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज साथ में चलते हैं. वैसा आपको लगता है दोनों चीजें साथ में होती है? वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट एंड सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. ऐसे बच्चों को ले लो जो फर्स्ट या सेकंड आते थे मेरे टाइम पे, वो सब ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं अभी. आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन में मैंने देखा है जो क्लास में टॉपर रहते होते हैं वो ऑर्डिनरी काम करते रहते हैं बाद में. इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट. हमको स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया स्कूल ने. स्ट्रीट स्मार्ट मतलब स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स independently, choice rather than force. Straight part bana diya school ne. I have learned more by doing what I did on my own. Then uske baad maine soch liya ki main khud se hi karunga. What academics would have taught me? Do academics सोच लिया था कि डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन, देन एकेडमिक जो सिखा दिए उसको छोड़ के मैं मेरे जिस तरह से ही सोचूंगा और करूंगा. दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर. तो आप में पर्सनालिटी और स्किल्स थी. यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद. जो आप कंफर्टेबल थे उसी टाइप में आप अपने आप को एक्सप्रेस करते थे. एंड डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू. और आपने रूल्स को डिफाई किया ताकि कोई आपको रोक ना सके. कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाय हफीज पटकर. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास It started raining outside. जब बाहर बारिश होती है थी, I would think of the flowing water. मैं पानी के बारे में सोचूंगा. And how to build a dam. और डैम कैसे बनाया जाएगा वो सोचूंगा. To block it. पानी को कैसे रोका जाए. I would be thinking about the flow of water within the dam. डैम में वाटर का फ्लो कितना रहेगा वो सोचूंगा. एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. कितना पानी डैम होल्ड कर सकता है. दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे. वही मेरा इंटरेस्ट था. व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन व्हाइल प्लेइंग. जब बच्चे बटन गुम करते थे खेलते खेलते और फाइटिंग या लड़ते लड़ते. They would come running to me and I would cut a button for them from chalk. Chalk से मैं बटन बना के उन लोगों को दे देता था. Using a blade से बटन बना देता. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. Discipline बहुत important था और कोई भी बच्चा बटन के बिना तो रह नहीं सकता था. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. ठीक है, बच्चों जब खाते थे डिनर के टाइम पे भी उनको यूनिफॉर्म उनका क्लीन ही रहना चाहिए, उसका भी कोई दाग लगना चाहिए नहीं था. कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू What kind of structure you want to give a client? तो अभी present पे आते हैं. तो कैसा structure आप decide कर रहे हो client को देने के लिए? I look at the client's face. मैं client के face को देखता हूँ. His clothes, the way he talks and
pronounces the way he eats, and I would know what his taste would be like. Taste kaisa hona chahiye. I can relate to people in a way that would be comfortable. Comfortable unhe lagna chahiye. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. Aur spontaneously kuch sketch kar raha bana raha hu. That paper I give to my people in the office or office mein de deta hu. You do it instinctively. Instinctively matlab naturally aap karte ho. Call it instinct. आप instinct भी कह सकते हो उसे naturally. Call it arithmetic. Arithmetic कहो. Whatever. Now it comes to me like mathematics. लेकिन ये mathematics जैसा है. Putting design, design रखो. Construction, psychology and sociology together. And making a sketch और सब कुछ साथ में रख के sketch बनाओ. From all that is mathematics. So ये क्या हो गया? Mathematics हो गया. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. Mathematics का interpretation उन्हें दिया है. Taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with.